लव्स, वेलकम बैक फॉर ऑल दोज वन यू। माय नेम इज इजानी सिद्दीकी। सो आज का जो वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। आप लोगों ने टाइटल से पढ़ लिया होगा, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट दीज हाफ एंड हाफ डबल यूज लिपस्टिक्स। सो हम इनके रिव्यूज एंड स्वैचेस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एंड स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, और उसके बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको हिट कर देना सो दैट यू आर नोटिफाइड विद माई एवरी न्यू वीडियोज। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप जरूर कर जाना। कमेंट करके बता सकते हो किसी प्रोडक्ट पर अगर आप यू नो रिव्यूज देखना चाहते हैं। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे, मैं उनका लिंक स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं। तो हाफ एंड हाफ एक ब्रांड है, वो सेवन हेवंस की ही एक ब्रांड है। इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी अफोर्डेबल ब्रांड इन इंडिया। मैंने अर्लियर हाफ एंड हाफ एंड सेवन हेवन के लिप लाइनर्स पे भी एक रिव्यू वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट करना। तो उनके लिप लाइनर्स पे मैं रिव्यू वीडियो बना चुकी हूँ। तो हाफ एंड हाफ जो है वो एक सेवन हेवंस की ही सब ब्रांड है। मैटलोक एंड हाफ एंड हाफ दोनों ही सेवन हेवंस की सब ब्रांड है। सो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इन हाफ एंड हाफ डबल यूज लिपस्टिक्स के बारे में। प्राइस वाइज बात करें तो ये आपको मिल जाती है 180 टू 250 तक की रेंज में। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बाय कर रहे हैं। 180 क्या 150 तक की रेंज में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से बाय कर रहे हो तो 150 तक की रेंज में मिल जाएगा, और नहीं तो आपको 250 या 200 हर जगह अलग अलग प्राइसेस पे मिल जाएगा। ऑनलाइन ये अराउंड 200 या 185 या 250 तक का सेल हो रहा है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बाय कर रहे हो, तो प्राइस में वैरी फ्रॉम 150 टू 250 रुपीज़। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, ये आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगे। आपको मार्केट्स में मिल जाएंगी, आपको ऑनलाइन साइट्स पर मिल जाएंगी, बट इनके सारे शेड्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। मार्केट में हो सकता है आपको सारे शेड्स में मिल जाएं, बट ऑनलाइन साइट्स पर सारे शेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मैंने जहाँ अभी तक सर्च आउट किया तो हर किसी साइट पर पूरे पूरे 30 शेड्स कहीं अवेलेबल थे ही नहीं। बारे में बात करें तो हमें मिल जाते हैं इसमें 30 शेड रेंजेस, दैट इज़ ह्यूज। आपको हर किसी को अपने स्किन टोन के हिसाब से लिपस्टिक का शेड आराम से मिल जाएगा। आपको अपने न्यूड्स भी मिल जाएंगे, सो दैट इज़ ह्यूज। मेरे पास जो शेड्स हैं, मेरे पास दो लिपस्टिक्स हैं, इनके जो शेड्स हैं दैट इज़ 27 लेडी बग, जो मैं एवरी डे वेयर करती हूँ। ये मेरा परफेक्ट ब्राउन न्यूड है। एंड द अनदर वन इज 06 एंटीक वेलवेट, जो मैंने अभी वेयर कर रखा है। ये एक मरूनिश रेड है, तो ये मैंने अभी वेयर कर रखा है। सो शेड रेंजेस 30 शेड्स हैं, आपको ईजिली मिल जाएंगे। शेड्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल शेड हैं। आप बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग वाइज आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा सिल्वर कैप के थ्रू एक बुलेट लिपस्टिक, जो कि आपको यू नो फुल बुलेट मिलती है। एंड यहाँ पर इसका नेट वेट लिखा है दैट इज 4 ग्राम, तो ये आपको 4 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। दैट इज नॉर्मल, हर किसी लिपस्टिक में ऐसे ही मिलता है। क्लोजर है वो आपको आराम से सुनाई देगा, एक क्लिक के साथ बंद हो जाता है। देन इसकी ऊपर वाली साइड में यहाँ लिखा है लॉन्ग लास्टिंग लिप ग्लॉस, और यहाँ लिखा है मैट कलर लिपस्टिक, जो कि मैंने आपको दिखा दी। लिक्विड लिपस्टिक, यहाँ पर आपको अपना कलर कोड मिल जाएगा, आप इजीली अपना कलर यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कलर कोड आपको यहाँ भी मिल जाएगा जहाँ पे हमें अपना नाम दिखेगा, जैसे यहाँ लिखा है 06 एंटीक वेलवेट, और यही चीज़ यहाँ ऊपर भी लिखी है 06 एंटीक वेलवेट। जब आप इसे ओपन करते हो तो आपको मिल जाती है अपनी लिक्विड लिपस्टिक, जिसका वॉन्ड थोड़ा सा छोटा है। अगर इसको प्रो साइड से देखा जाए तो ये बढ़िया चीज़ है, बिकॉज ये आप ईजिली प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हो और अपना लिपस्टिक का एप्लीकेशन ईजिली अप्लाई कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन ईजी हो जाता है। एंड देन आप इसको ईजिली क्लोज कर लेते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग। और लिक्विड लिपस्टिक आपको मिल जाती है 7 ml प्रोडक्ट, और नीचे बुलेट लिपस्टिक में मिल जाता है आपको 4 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। बाकी यहाँ पर बार कोड है एंड एवरीथिंग है। उसके अलावा आपको नेम लिपस्टिक का एट द बैक एंड इन द फ्रंट दोनों जगह मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द लिपस्टिक। इसके फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला जो है दोनों ही बहुत अमेजिंग है। इसका बुलेट का फॉर्मूला भी बहुत अमेजिंग है एंड इसका लिक्विड लिपस्टिक का फॉर्मूला भी बहुत अमेजिंग है। पिगमेंटेशन को लेके बात करें तो बुलेट लिपस्टिक की पिगमेंटेशन उतनी नहीं आएगी जितनी लिक्विड लिपस्टिक की आएगी। लिक्विड लिपस्टिक में आपका जो कलर होगा वो एकदम पॉप होकर आता है, और बुलेट लिपस्टिक में उतना ज़्यादा एकदम ब्राइट नहीं आता है, बट कलर इज़ गुड। यू नो जैसे नॉर्मल बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं वैसे ही आएगा। जो टेक्सचर है वो वेरी स्मूथ मूजी सॉर्ट ऑफ टेक्सचर है, प्रॉपर सॉफ्ट मैट लिप क्रीम्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेंगी। नॉन ड्राइंग सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट मैट लिप क्रीम्स हैं, मतलब इतना ज़्यादा आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेंगी, मॉइस्चराइज करेंगी। आपको बहुत ज़्यादा अपने लिप्स कंफर्टेबल लगेंगे, आप इजिली बोल सकोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि लिपस्टिक स्ट्रेच हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तभी ये यू नो प्रॉपर वे में सॉफ्ट मैट लिप क्रीम्स हैं एंड बहुत ज़्यादा क्रीमी एंड स्मूथ एंड यू नो बहुत ज़्यादा मूजी सा इसका टेक्सचर है, वेरी कंफर्टेबल ऑन योर लिप्स।
ट्री सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट मैट लिप क्रीम्स बट दे ड्राई सुपर मैट. तो यू नो अगर आप कोई ऐसे हो जो एक्सट्रीम ड्राई लिपस्टिक्स नहीं वेयर कर पाते हो बिकॉज आपके लिप्स ड्राई है, यू कैन गो विद दीज लिपस्टिक्स बिकॉज इनका जो फॉर्मूला है वो सॉफ्ट मैट लिप क्रीम्स का है, बहुत बटरी सॉफ्ट है बट ये आपको प्योर एंड सुपर वाली मैट फिनिश देंगे. सो यू कैन गो विद दीज लिपस्टिक्स. Talking about the staying power of these lipsticks, तो इसकी जो bullet lipstick है वो आप आराम से 3 to 4 hours तक wear कर सकते हो if you are not eating any greasy oil. बाकी थोड़ा बहुत आप top up कर सकते हो, light पड़ जाती है जैसे कि bullet lipsticks होती है, but 3 to 4 hours it will work. और जो इसकी liquid lipstick है वो तो आराम से आपका you know 5 to 6 hours work कर लेगी, बहुत amazingly आपको you know touch up करने की need नहीं पड़ेगी. अगर आप कोई greasy meal नहीं खा रहे हो, अगर खा रहे हो तो थोड़ा बहुत touch up करने की need पड़ेगी from inside only. और अगर आप ये दोनों ही you know एक साथ वेयर करो लाइक फर्स्ट अप्लाइंग द बुलेट लिपस्टिक एंड देन दिस लिक्विड साइड, तो ये आपको आराम से 8 to 9 hours आपके लिप्स पे यू नो स्टे करेंगी एंड दैट इज लाइक वाओ. स्टिक्स नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स हैं एंड स्मच प्रूफ हैं. आई कैन शो यू, सी इनका जो लिक्विड साइड है वो बिल्कुल ही नॉन ट्रांसफर है, स्मच प्रूफ है, बट इनका बुलेट वाला साइड थोड़ा सा ट्रांसफर होता है बिकॉज वो बुलेट लिपस्टिक्स हैं. तो इनकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ्रेगनेंस है, लाइक आप कुछ पेस्ट्री सा खाओगे सो दैट इट जस्ट फील्स लाइक समवॉट पेस्ट्रीज या फिर कपकेक्स, थोड़ा बहुत वैसा ही फ्रेगनेंस है इसकी, बहुत ज़्यादा लवली फ्रेगनेंस है. बुलेट साइड भी ऐसा ही है एंड आई गेस येस आई गेस द लिक्विड साइड इज ऑल्सो सेम, कपकेक्स वाला ही फ्रेगनेंस है, बहुत अमेजिंग एंड लवली फ्रेगनेंस है, यू विल डाई फॉर दिस फ्रेगनेंस. विल आई सजेस्ट यू टू बाई दीज लिपस्टिक्स? डेफिनेटली, बहुत अमेजिंग प्राइस पे आपको बहुत बढ़िया दो दो लिपस्टिक्स मिल जा रही हैं, एक बुलेट एक यू नो लिक्विड लिपस्टिक, तो ये तो ग्रैब डील है. आप एवरी डे बेसिस पे इसका बुलेट साइड यूज़ कर सकते हो किसी फंक्शन या पार्टीज या ओकेजन्स के लिए, इसका लिक्विड साइड यूज़ कर सकते हो, बहुत अमेजिंग है. और किसी यू नो लॉन्ग लास्टिंग वाली लिपस्टिक का चाहिए, कहीं आप जा रहे हो और बार बार टचअप नहीं करना चाहते हो, तो दोनों को लगा लो, एकदम यू नो यू आर गुड टू गो. सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक्स हैं, यू शुड हैव 1 or 2 shades ऑफ दीज लिपस्टिक्स एंड ट्राई करिए, अच्छा लगेगा. और फिर आई बेट यू आपको और शेड्स लाने पे आप मजबूर हो जाओगे बिकॉज ये अमेजिंग वाली लिपस्टिक्स. तो रिव्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, अब बात कर लेते हैं अपने स्वाचेस के बारे में. तो स्वाचेस के लिए लेट्स जस्ट मूव अहेड फॉर द स्वाचेस. So yes, these were my reviews on these half and half double used lipsticks. I hope आप लोग को ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको और किसी प्रोडक्ट पे रिव्यू वीडियोज़ देखनी है या फिर मतलब मेकअप वीडियोज़ आप और देखना चाहते हो, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई लव यू गाइज अ लॉट. बाय.